नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कर्नाटक में कल कुमारस्वामी सरकार शपथ लेने वाली है, लेकिन शपथ से पहले मंत्री पद को लेकर जबरदस्त जंग भी जारी है। कल केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी कि सीएम और डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। इसके अलावा बहुमत सिद्ध करने के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कुमारस्वामी के साथ कांग्रेस का एक उप मुख्यमंत्री भी कल शपथ लेगा, बहुमत सिद्ध होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल बनाया जाएगा यानी कि बढ़ाया जाएगा। तब पता चलेगा कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, क्या सहमति ठीक ढंग से बन पाई है या पेच कहीं फंसा हुआ है। तो मंत्री पद को लेकर जबरदस्त जंग जारी। कुमारस्वामी को मुंहमांगी मुराद मिल गई। सत्ता का झोंका तो कहीं और जा रहा था, लेकिन किस्मत ने उसकी दिशा कुमारस्वामी की तरफ मोड़ दी। अब कल का इंतजार है जब बेंगलुरु में ताजपोशी होगी और कुमारस्वामी कर्नाटक के नए कुमार होंगे। बेंगलुरु में इस वक्त मंत्रिमंडल के आखिरी पेज सुलझाए जा रहे हैं, मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो रही है। खबर है कि 34 मंत्री शपथ ले सकते हैं, इनमें 20 कांग्रेस के, 14 जेडीएस के होंगे। निर्दलीय विधायकों को भी जेडीएस अपने कोटे से फिट करेगा। स्पीकर का पद भी कांग्रेस के कोटे में जाएगा। डिप्टी सीएम के पद पर माथापच्ची चल रही है। मंत्री पद को लेकर जेडीएस कांग्रेस में बैकडोर लॉबिंग चल रही है। पहला तो हमारा लक्ष्य है स्पीकर का चुनाव का, उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का। ये दोनों चीजें होने के बाद कौन से चीजों के ऊपर सहमति बनेगी और हाईकमांड क्या डिसीजन लेगी वो हाईकमांड यहाँ पर तय करेगी। लेकिन कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण की अहमियत इससे कहीं आगे की है। कल बेंगलुरु में विपक्ष का पूरा कुनबा मौजूद दिखने वाला है। राहुल, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक शपथ के बहाने विपक्ष की लामबंदी बीजेपी को बेचैन कर सकती है, क्योंकि मोदी अमित शाह की राह रोकने की शुरुआत यहीं से हो सकती है। आज तक ब्यूरो। कुमार स्वामी के शपथ के बाद कर्नाटक में राजनीतिक रस्साकशी भी शुरू हो गई है। समारोह स्थल पर पोस्टर को लेकर कांग्रेस के लोगों में नाराजगी दिख रही है। सिर्फ जेडीएस का पोस्टर ही वहां पर लगा है। कुमारस्वामी के भव्य या यूं कहें महाशपथ ग्रहण समारोह के पहले कर्नाटक विधानसभा, ये पूरी भव्य इमारत तैयार है उस शपथ ग्रहण समारोह के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, बल्कि छोटी छोटी तमाम पार्टियां, हर मोदी और बीजेपी विरोधी पार्टियों का यहां जमावड़ा होगा। कई मुख्यमंत्री होंगे, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल और तमाम दूसरे दलों के नेता यहां इकट्ठा होंगे। और ये देखिए, उससे ठीक पहले आज माहौल क्या है, चारों तरफ इस विधानसभा के चारों तरफ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, कुमारस्वामी के, देवगौड़ा के और तमाम जेडीएस समर्थकों के पोस्टर थे। देखिए जितनी सड़कें हैं इस विधानसभा से आसपास, जितनी सड़कें आती जाती हैं, हर जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर, क्या जेडीएस और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है गठबंधन के बावजूद, दिखता नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जेडीएस के पोस्टर लगे हैं, जनता दल सेकुलर के चारों तरफ। ये देखिए वहां से सड़क आ रही है, ये तीन चार सड़कें जो भी विधानसभा पे आती हैं, हर जगह पर पोस्टर जो लगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुमारस्वामी के लगे हैं। बतौर मुख्यमंत्री उन्हें बधाई दी जा रही है, सिर्फ जेडीएस को। तो कल कर्नाटक में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से बहुमत सिद्ध होता है और फिर मंत्रिमंडल बनता है। लेकिन इधर चार दिन बाद केंद्र सरकार के चार साल पूरे होने वाले हैं। इस अवसर पर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही अमित शाह ने तेल की कीमतों पर अंकुश के भी संकेत दिए। जहां तक तेलों के दाम का सवाल है, सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। कल पेट्रोलियम मंत्री का सभी तेल कंपनियों से ही मीटिंग है और एक फॉर्मूले के तहत दाम बढ़े हैं, इस पर क्या विचार करना, मुझे लगता है सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी चिंता हो रही है। दो तीन दिन में, चार दिन में इस पर कोई ना कोई फॉर्मूला या तो कोई समाधान ढूंढने के लिए हमारे सरकार में जो बैठे हैं वो कार्यकर्ता निश्चित प्रयास करेंगे। और ये बात पेट्रोलियम मंत्री जी ने भी आज सबको बताई है। थोड़ा बताइए ना, आरएसएस कहां से आता है, उनको हर चीज में आरएसएस दिखता है, मैं क्या कर सकता हूं।
कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस ने बीजेपी के जबड़े से सत्ता छीन ली तो उत्तर प्रदेश के कैराना में भी सचमुच विपक्ष एकजुट हो चुका है। यहां आरएलडी के उम्मीदवार को बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है तो योगी के लिए इसके बाद परीक्षा कड़ी हो गई है। ज्यादा दिन नहीं हुए गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी को मिली हार के। योगी की सीट गोरखपुर और केशव मौर्य की सीट फूलपुर से कमल मुरझा गया था। अब वही योगी और मौर्य खोई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहते हैं। इस बार जंग का मैदान बना है कैराना। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मृगांका सिंह जी जीतेंगी, कमल का फूल खिलेगा और जो विरोधी चाल चल रहे हैं उनकी चाल फेल होगी। सीएम योगी के हमलों के बीच डिप्टी सीएम मौर्य ने विश्वास जताया कि इस बार तस्वीर बदल जाएगी, हार से उभरेंगे, जीत जरूर मिलेगी। नैतिक सांस नहीं उनमें, क्योंकि उन पर कलंक लगा है मुजफ्फरनगर के दंगों का, मुजफ्फरनगर में निर्दोष लोगों की मौत का और निर्दोष लोगों के हाथों से इनके हाथ सने हुए हैं। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और पार्टी ने उन्हीं की बेटी मृगांका सिंह को मैदान में उतारा है। दरअसल विपक्ष एकजुट होकर गोरखपुर और फूलपुर में बीजेपी को हरा चुका है। अब वही दांव कैराना में भी आजमाया जा रहा है। कैराना लोकसभा उपचुनाव में 28 मई को वोट डाले जाएंगे, 31 जून तक वोटों की गिनती होगी। आनंद बनर्जी, कैराना आज तक। सीमा पर पाकिस्तान ने शैतानी की सारी हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है और उस फायरिंग की चपेट में सीमा से सटे हिंदुस्तान के इलाकों के खेत खलिहान भी आ रहे हैं। सीमा पर पाकिस्तान ने शैतानी की हद कर दी है। रमजान का महीना चल रहा है और पाकिस्तान को ना तो दीन की फिक्र है और ना ईमान की परवाह है। वो रिहायशी इलाकों पर गोलियां दाग रहा है, मोर्टार बरसा रहा है, यहाँ तक कि उस तरफ से होने वाली फायरिंग में खेत खलिहान भी जलते जा रहे हैं। आग तो लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं 30-40 मकान, जो तबाह हो चुके हैं, सामान कहीं का जल गया है, भेड़ बकरी थी वो अंदर वो भी जल चुकी है। अच्छा, हाँ। तो अभी आपको बचाने के लिए कोई परेशान की तरफ से कोई नहीं आया सर, तहसीलदार नहीं है, डीसी नहीं है, कुछ भी नहीं, इधर आए नहीं। आप भी सर देख रहे हैं, मीडिया वाले को पूरा पता है इधर कौन आया, देखे बिना गुजरे से आमी जो रात के इधर फंसे है वो ही है और कोई नहीं है। पाकिस्तान ने इंतहा कर दी है, वो आए दिन रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, ना उन्हें बच्चों की फिक्र है ना बुजुर्गों की, वो जब चाहे भारतीय सीमा की तरफ बंदूकें तान देता है और गोलियों की बारिश शुरू कर देता है। सीमा से सटे हमारे इलाकों में भारी दहशत है, लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया है, यहाँ तक कि स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत रोके वरना उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। पहली गोली तो पड़ोसी पर नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उधर से चल जाती है तो क्या करना, इसका फैसला आपको करना। फिर नहीं कोई पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। और मैं कह सकता हूं कि इस जिम्मेदारी का आप बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। सवाल है कि पाकिस्तान का यह दुस्साहस हम कब तक सहते रहेंगे, कब तक हमारे लोग यूं खामोशी से अपने घरों में दुबके रहेंगे। ये देखिए, ये आरएसपुरा का एक गांव है जो पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। ऐसे कितने ही गांव हैं जिनकी ऐसी ही हालत बना दी गई है। वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को बढ़ चढ़ कर जवाब दिया जाए। सुनील भट्ट के साथ अश्विनी कुमार, आरएसपुरा, जम्मू, आज तक। सीमा पर हो रही लगातार फायरिंग के बीच आज तक के संवाददाता बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इंडिया 360 में अब हम बॉर्डर की वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिससे आप पाकिस्तान की शैतानी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आरएसपुरा सेक्टर के सीमाई इलाके के इस गांव को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। इस गांव पर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे मोर्टार बरसाए गए कि जगह जगह सिर्फ आग जलती दिखाई पड़ रही है। मैं इस समय मौजूद हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आरएसपुरा सेक्टर में और यहां पर अभी भी ताबड़तोड़ जो है जो शेलिंग हो रही है और आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले यहां पर इस घर में आग लगी है और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर फायरिंग शेलिंग जो है दोबारा शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डरे हुए गांव वाले हैं वो भी भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये आज तक की जोखिम से भरी रिपोर्टिंग है जिसके जरिए हम आपको लगातार बॉर्डर की अपडेट दे रहे हैं। हमारे संवाददाता अंधाधुंध फायरिंग के बीच पाकिस्तान की शैतानी को बेनकाब कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात बेहद खराब है। आरएसपुरा में 4 और अरनिया में 2 लोग पाकिस्तानी फायरिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी हुए हैं। एक ये बांध है जो इसका आर्मी का बांध बना हुआ है, उसके साथ उसके सहारे बैठे हुए हैं। माल मवेशी भी हैं, बच्चे भी हैं, वहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं, तो फायर तो वहाँ भी जा रहा है। इन इलाकों में रहने वालों की माने तो यहाँ पाकिस्तान की तरफ से कभी न रुकने वाली फायरिंग हो रही है। प्रशासन ने इन इलाकों में स्कूलों को बंद कर एहतियात बरतने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के तेवर बता रहे हैं कि वो जल्द रास्ते पर आने वाला नहीं है। रुक रुक कर यहाँ पर पाकिस्तान की गोलाबारी सुन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, और काफी तनाव है यहाँ पर। और जितने भी गांव वाले हैं यहाँ पर, प्रशासन का कहना है कि उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन जो कुछ फंसे हुए हैं अभी, उन्हें अभी यहाँ पर कहा गया है कि वो घरों में ही रहे, बाहर ना जाएं। माता की जय। पाकिस्तान को हर तरफ से चेतावनी दी जा रही है, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में अमन की बातें घुसती ही कहाँ है। सुनील भट्ट के साथ अश्विनी कुमार, आरएसपुरा, आज तक। ये खबर जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अहमदाबाद में आज सुबह सुबह हुए खूनी खेल की खबर है। ऐसा खूनी खेल जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया, बच गया तो सिर्फ वो बिल्डर जिसने मामूली झगड़े में अपनी 2 बेटियों और पत्नी को मार डाला। आलिशान कोठी के अंदर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने माँ और 2 बेटियों की जिंदगी छीन ली। बीती रात मामूली झगड़े से शुरू हुआ था ये विवाद। जानकारी के मुताबिक आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर चुकी बड़ी बेटी हेली ऑस्ट्रेलिया जाकर MBA करना चाहती थी। खर्च 70 लाख का था। इसी मुद्दे को लेकर आलिशान कोठी के अंदर माँ, बेटी और बिल्डर पिता में बहस हुई। चंद मिनटों की कहासुनी के बाद ही बिल्डर ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से दोनों बेटियों और पत्नी को मार डाला। तिहरे कत्ल को अंजाम देने के बाद बिल्डर ने अपने दफ्तर में फोन किया, अपने भाई को बताया कि वो अपने परिवार को खत्म कर चुका है और वो खुद को भी गोली मार लेगा। लेकिन बड़ी चालाकी से धर्मेंद्र शाह ने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। घर वाले जैसे ही इस कोठी के अंदर पहुंचे, फौरन बिल्डर को पकड़ लिया। उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम था तो उसके हिसाब से धर्मेश ने स्टेप भर लिया है। रियल एस्टेट का कुछ बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का, करीब 15-20 करोड़ का इनके पास कुछ लॉस हुआ है, ऐसा प्राथमिक रीत है, पता चल रहा है। फोरेंसिक टीम भी हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 रेत चोर रावी नदी की मझधार में फंस गए। गए तो थे रेत चुराकर पैसे कमाने, लेकिन जिंदगी पर बनाई। पूरे 24 घंटे का देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रावी नदी में पानी बढ़ता जा रहा है और तेज बहाव में फंसे दोनों युवकों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। नदी में चारों तरफ हर हराते पानी का शोर है और पल पल जल स्तर खतरे की मुनादी भी कर रहा है। चंबा के राजपुरा में दोनों युवक JCB पर सवार होकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पानी है कि किसी भी वक्त उन्हें बहा लेने की धमकी दे रहा है। इधर नदी किनारे लोगों की भीड़ लग चुकी है और दोनों युवकों को बचाने का प्लान तैयार होने लगता है। पहले रस्सी फेंकी गई और फिर पुलिस वाले उन दोनों तक जा पहुंचे। जान बची तो कैसे बची, और लेकिन उससे पहले इन दोनों युवकों का परिचय जान लीजिए। कायदे से कहा जाए तो ये दोनों लड़के राजपुरा में रेत चोरी गिरोह के सदस्य हैं, जो एक JCB और एक ट्रैक्टर के बूते नदी को खोदने चले थे। देखिए रात की ये तस्वीरें, जब दोनों का रेत उठाव अभियान जोरों पर था। JCB से रेत उठाकर ट्रैक्टर में भरा जा रहा कि चंबा का पानी बेकाबू हो गया और ये वहीं फंस गए। पानी से जंग जारी रही, रात से दिन गुजरी और दोनों रेत चोरों को रावी के रौद्र से बचाया जा सका। विशाल आनंद, चंबा, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सबसे तेज सटीक खबरों के लिए आज तक ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और विजिट कीजिए aajtak.in। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।